हाय फ्रेंड्स, मैं आपका इमरान आपसे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, आपसे कुछ बोलना था और आज से कुछ कहना था। मैं एशिया टेलीकॉम का स्टूडेंट हूँ। हमने एशिया टेलीकॉम से कोर्स किए हुए एक साल हो गया और हमारा स्किल ऐसा है और आपको दिखाना चाहता हूँ स्किल, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, आप हम एक मोबाइल बना रहे थे नोट 7 प्रो, ये मोबाइल था, कई शॉपों से रिटर्न आया हुआ था। इसमें कस्टमर ने दिखाया था ये मोबाइल था डेड। शॉप वाले ने करता क्या था, इस पर ब्रश मारना, आईपी डाल के ब्रश मारना और हीट करना, इसके सिवा कुछ किया ही नहीं था। इस पर सारा मोबाइल हमने चेक किया तो पूरा फ्रेश था, इसके सिवा कुछ भी किया नहीं था। इसमें प्रॉब्लम था, कुछ लाइनों का मिसिंग था। बस इसके लिए हमने देखा तो इसका बग फ्लैक्चुएट कर रहा था। इसका बग क्या होता है, आपको वहाँ पे क्लास पे जाएंगे सीखेंगे तब पता चलेगा। एशिया टेलीकॉम में हम सीखे थे, हमको पता चला, इसीलिए आज हम सीपीयू लेवल और आईसी लेवल, चिप लेवल, एमएमसी, यूएफएस कुछ भी कर सकते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं आज एक आईसी लगा के लाइव, देखिए हम कैसा करते हैं। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, अपने काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। देखते रहिए, हम इस सीपीयू को आपको लाइव लगा के दिखाएंगे और देखिए मोबाइल चालू होता है या नहीं। हमने इसको सरफेस को क्लीन किया है और आईसी को भी रिवॉल्व किया है, देख सकते हैं कितना अच्छा हमने सरफेस भी क्लीन किया है और आईसी को भी रिवॉल्व किया है। आप देखिए, हम इस आईसी को आपके आगे लाइव लगा के दिखाते हैं और चेक को चालू करके भी दिखाएंगे आपको, और अपना स्किल देखिए आपको भी सीखना है या नहीं सीखना है आपको पता चल जाएगा। देखिए फ्रेंड, जो आपको सीपी दिखा के दिखाता हूँ लाइव में, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम शॉप में बैठे रहें, सोचते रहें कि हम अपना काम कराए कैसे और दूसरे वाले शॉप के पास बेचते रहेंगे तो हम कब ग्रो कर पाएंगे। हमको भी सीखना है, हमको भी निकलना है शॉप से बाहर, जब भी हम ग्रो कर पाएंगे, वरना हम शॉप में बैठे रहेंगे, दूसरे शॉप के पास कराते रहेंगे तो वो ग्रो करेगा, आप कहाँ से ग्रो करेंगे। आप अपना नाम बनाना चाहिए ना, दूसरे वाले शॉप से कराते रहेंगे, उसको पैसे देते रहेंगे, आप कब ग्रो कर पाओगे। कभी तो निकलना पड़ेगा आपको शॉप से, वक्त निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। अगर सोचेंगे हम यहाँ से जाएंगे तो अपना धंधा चौपट हो जाएगा, आपका धंधा कुछ भी चौपट नहीं होगा, आपका धंधा और इम्प्रूव होगा, और सीखने को मिलेगा, नया नया काम कर सकोगे, नया नया मोबाइल बना सकोगे तो आपका नाम और भी बढ़ेगा। इसी तरह से मोबाइल और में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप सुधार सकते हो। देखिए फ्रेंड, हमने सीपीयू तो बिठाना शुरू कर दिया है, सीपीयू भी बैठ जाएगा। देखिए, आपको चाहिए तो टीवी में भी देख सकते हैं, यहाँ नहीं दिखता है तो टीवी में देखिए, दिखाओ यार टीवी में दिखाओ, ऐसे देखिए और टीवी में देखिए और दिखाने का तरीका भी दीजिए। फिर बढ़ावा थोड़ा फ्लेक्स देंगे, थोड़ा सा फ्लेक्स देंगे और इसको फाइनल टच देंगे और सीधा बैठ जाएगा ये अपने आप। देखिए फ्रेंड, हमने सीपीयू बिठा लिया है और बोर्ड को ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद तो आपको दिखाएंगे बोर्ड को डिस्प्ले से जोड़ के मोबाइल ऑन होता है नहीं। मोबाइल तो ऑन हो जाएगा, वैसे भी आपको कहना था मोबाइल का काम सीखना है तो कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट क्यों, एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम गए थे, हम तो सीखे, आप भी सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट भी लगा है तो आपके प्रूफ के लिए दिखा रहे हैं। हम एशिया टेलीकॉम गए थे, देखो अपना बैच भी लगा है इधर, बैच 28 जनवरी के हैं, एक साल हो गया, एक साल में कितना सीख सकते हैं अब हमको देख के पता चल गया होगा आपको। और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एमएमसी, यूएफएस, सब सेक्शंस के लिए अलग अलग टीचर होते हैं वहाँ पे, और उनका स्किल ऐसा है कि A1 स्किल है। वहाँ पे जाने के बाद आपको उनका
टीचिंग सीखना होगा और हार्डवेयर सीखना होगा, सॉफ्टवेयर सीखना होगा, तो हर इंस्टीट्यूट में तो यही सिखाता है, लेकिन इस तरह से नहीं सिखाते जो उनका स्किल है, एक नंबर है, और उनका एक्सपीरियंस है, वो तो आला नंबर का एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको एशिया टेलीकॉम ही ज्वाइन करना चाहिए। अगर एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करो आप वहाँ से कुछ भी ना सीख सके तो मेरे पास आ जाना, क्यों आप बोले थे एशिया टेलीकॉम जाने के लिए, हमको कुछ भी नहीं मिला, तो आप जो फीस वहाँ जमा किए हो वो फीस मैं वापस मैं करूँगा। क्यों इतना चैलेंज इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ का काम मैं सीखा हूँ, आज मैं कर भी पा रहा हूँ, वरना नहीं होता। कोई भी आदमी अगर उसको भरोसा नहीं है तो नहीं बोलता आपको। देखिए वहाँ पे जाने के बाद हर सेक्शन के लिए अलग अलग टीचर मिलेगा, ऐसा इंस्टीट्यूट एक ही है इंडिया में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो हैं लेकिन एक ही टीचर सारा पढ़ाता है, वही सॉफ्टवेयर पढ़ाता है, वही हार्डवेयर पढ़ाता है, वही एफएमसी पढ़ाता है, वही यूपीएस पढ़ाता है, सारा सेक्शन एक ही बेलता रहता है। उसको क्या होता है मालूम, ऐसे में उसको हर सेक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज रहेगा, वो थोड़ा ही बताएगा, लेकिन अलग एक एक सेक्शन के लिए अलग अलग टीचर होता है। जैसे हार्डवेयर के लिए अलग देव सर हैं, सॉफ्टवेयर के लिए दुर्गेश सर हैं, यूएफएस और एमएमसी के लिए मिलन सर हैं, और प्रैक्टिकल कराने के लिए एमडी सर हैं। आपको इतने अच्छे तरह से समझाएंगे तो एक से दस बार पूछिए आप, आपको जो लाइन का प्रॉब्लम है वो बताइए, आपसे जो काम नहीं होता है वो बताइए, वो सब आपसे कराएंगे। हार्डवेयर में देव सर टॉप है, ऐसा नहीं है कि उनको सॉफ्टवेयर नहीं आता, उनको एमएमसी नहीं, उनको आता है, लेकिन वो टॉप है हार्डवेयर में। एमएमसी में मिलन सर टॉप है, उनको हार्डवेयर नहीं आता ऐसा नहीं है, वो पढ़ाते हैं उनके लैंग्वेज में, जैसे एमएमसी उनको अच्छा आता है, हर एक सेक्शन के बारे में जानते हैं वो एमएमसी में। ऐसा छोटा छोटा सेक्शन भी नहीं छोड़ेंगे, आपको सिक्योरिटी बनाना सिखाएंगे, यूएफएस बनाना सिखाएंगे, हेल्थ सुधारना सिखाएंगे, ऐसे सिखाएंगे जैसे एक क्लास बच्चा ए बी सी डी कैसे पढ़ता है, ए बी सी डी में सिखाएंगे आपको। जाते हैं आप फ्रेशर होंगे शायद, आप जाते हैं बोलेंगे सर हमको तो कहीं से भी टचिंग नहीं था मोबाइल का कोर्स, हम सीखेंगे कैसे, आप ही के लिए बनाया है, ए टू जेड बनाया है। ऐसा नहीं है कि आप डिग्री करना है, डिग्री करने के बाद ही ये कोर्स सीखना है, इसके लिए कोई डिग्री ज़रूरत है। आपको छोटा मोटा इंग्लिश पढ़ना आता है तो सही है, और भी नहीं आता है तो ए बी सी डी तो पढ़ना आता होगा, ए बी सी डी से भी काम चल जाएगा आपका। इस कोर्स में कोई पढ़ाई और डिग्री की ज़रूरत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, हम इस बोर्ड को मोबाइल में लगाएंगे और चक्कर के दिखाएंगे, मोबाइल तो ठंडा हो गया है बोर्ड, देखिए हमने इसी सीपीयू को बिठाया था बोर्ड में, देखिए आप ही के आगे लगा रहे हैं, क्या मोबाइल ऑन होता है नहीं देखेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने तो मोबाइल को ठंडा कर लिया और लगा दिए बोर्ड पे, देखते हैं चालू करके चालू होता है नहीं। देखिए फ्रेंड, हमने पहली बार ही इसको चालू कर लिया। देखिए फ्रेंड, इसी तरह से आप भी सीख सकते हैं, आप भी कुछ बन सकते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करें। और देखिए फ्रेंड, ये मोबाइल तो ऑन हो गया है, आप हम क्या पहले से ये काम करते थे? नहीं फ्रेंड, हम तो एकदम नहीं करते थे, आप ही के जैसे थे। जैसे कोई भी मोबाइल आता था ब्रश मारते थे, आईपी डालते थे और हीट करते थे, मोबाइल चालू हो जाता था तो सही है, अगर नहीं चालू होता तो छोड़ देते थे, कस्टमर वापस चले जाता था, कहीं और से कराता था या नहीं कराता था वो खुदा जाने। हमको क्या था, एक कहीं अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढना चाहिए था। जैसे ढूंढते थे तो हमने वीडियोस देखना चालू किया। देखिए फ्रेंड्स, ये तो मोबाइल तो ऑन हो गया विद कस्टमर डेटा, देखिए उसका पासवर्ड भी लगा है, हमने इसका कस्टमर का डेटा भी बचा लिया। अगर ऐसा कस्टमर का डेटा के साथ देंगे तो कस्टमर खुश होगा, जो आप पैसा मांगेंगे वो पूरा देगा। देखिए ये फ़ोन तो ऑन हो गया, देख सकते हैं कस्टमर का डेटा भी है, वाटर डैमेज भी था फोन, वाटर भी है इसमें, लॉक भी लगाया है, हमको लॉक पता नहीं है, बस ये डेट भी लिए थे हम। देखिए फ्रेंड, इसी तरह से इसीलिए हम कह रहे हैं ना, आपको एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहिए। एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करने से ही ये सब सीखना पड़ेगा, आपको सीखने को मिलेगा वहाँ पे, उनके स्किल्स एक नंबर वन स्किल्स हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एशिया टेलीकॉम जबलपुर वाला एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कीजिए और बहुत कुछ सीखिए, आपका शॉप का बिजनेस बढ़ाइए, आपका स्किल बढ़ाइए, और नया नया काम आता रहेगा, बैकअप में जाते रहिए। बैकअप का क्लास जिंदगी भर का लिया है, जिंदगी भर आपको बैकअप देने का वादा करता है एशिया टेलीकॉम, जो वादा करता है एशिया टेलीकॉम वादा पर निभाता है। हमको डेली का अपडेट मिलता है, कोई ना कोई नया सेक्शन आता है तो हमको सर ने हमारे लिए स्पेशल वीडियो बना के डालते हैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, वो वीडियो यूट्यूब पर भी नहीं डालते,
वो यूट्यूब पे डालेंगे तो उनको और मिलियंस ऑफ व्यूअर्स आएंगे, पैसा आएगा। ये पैसे के लिए नहीं काम कर रहे हैं, बच्चों को सिखाना और उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप भी एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कीजिए, आप भी अपने बिजनेस और अपने स्किल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू, पर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगा। आप चाहिए तो मेरा नंबर को नोट कीजिए, 8142493149। आपको कुछ भी डाउट है मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आंध्र प्रदेश पिलर से रहता हूँ। आपको लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है तो हिंदी आता ही होगा, हिंदी हर एक को आता है, अपना नेशनल लैंग्वेज है, हिंदी आने से सब कुछ होता है। आप अपने लैंग्वेज में लिखिए नोट्स, अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाए, वो तो हिंदी में बात करते हैं और इंग्लिश में भी बोलते हैं। आपको हिंदी नहीं तो इंग्लिश तो समझ में आता होगा, हर स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते हैं और हिंदी तो मैंडेटरी है, हिंदी तो हर एक को समझ में आता है। हिंदी देखो, साउथ वाले सोचते होंगे हमको तमिल तेलुगु और कन्नड़ा ही आता है, हिंदी नहीं आता है। ऐसा नहीं फ्रेंड, बात करना तो हिंदी सबको आता है। आप हिंदी बात करके क्या हिंदी में एग्जाम लिखना है आपको? नहीं है ना। हिंदी एक बस वो जो बोल रहे हैं हमको समझना है। अगर समझ में नहीं आता है तो सर से एक और बात पूछ लीजिए, ये दो बार पूछ लीजिए, इंग्लिश में समझाएंगे। वो हैं हमको समझाने के लिए और पढ़ाने के लिए। उनका स्किल ऐसा है कि आप उनका एक चैनल देखिए एशिया टेलीकॉम, वो डेली का अपडेट देते रहते हैं, जो नए नए प्रॉब्लम जो भी आते रहते हैं वो देते हैं। साला फोन था छोटा प्रॉब्लम, देखिए इसका पतरा उतार दिया और इसको हिट मारा, सब कुछ किया। एक सीपीयू उसको अगर मान जानता रहता तो सीपीयू रिवाल कर लेते तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था, ये चुटकी भर में ऑन कर सकता था। अगर उसको पता नहीं था इसलिए दो चार मोबाइल शॉप से घूम के आया हुआ है। अगर ऐसे ही घुमाते रहना है तो ऐसे ही रहेंगे। अगर आपको भी कुछ बनना है तो फ्रेंड्स एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कीजिए, नंबर वन इंस्टीट्यूट है इंडिया का एशिया टेलीकॉम। आपको यूज़र फ्रेंडली है, आपको सीखने में बहुत कुछ मिल सकता है। मैं वादा करता हूँ कि एशिया टेलीकॉम इज ए नंबर वन ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट। थैंक यू फ्रेंड, बस इतना ही कहना था। आप इसके बाद में आपको कुछ जानना है तो हमसे संपर्क करिए, 8142493149। हमने आपको दो बार मोबाइल नंबर बताया, कोई अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो हम नंबर भी नहीं देते। हम इतने कॉन्फिडेंस से नंबर दे रहे हैं आपको, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट कीजिए। बस थैंक यू। एक बार कहना चाहेंगे सर, आप लोगों ने इतना साथ दिया, आज हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसीलिए दूसरों को भी यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बस इसमें हमारा फ़ायदा कुछ भी नहीं है, आपका भी फायदा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ बने, ये इधर उधर भटकते रहें। इसलिए सर थैंक यू, सर थैंक यू, देव सर थैंक यू, ऑल एशिया टेलीकॉम टीम थैंक यू सर। देखिए हमने मोबाइल एक और बार दिखा, थैंक यू।